हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। काफी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि भैया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ए टू जेड कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे कि इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले, साथ ही ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम डेट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से आपको समझाऊंगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे यानी कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको डिटेल से समझाने वाला हूं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसका पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, साथ ही लास्ट स्टेज में जो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा उसका भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो जितने भी डाउट्स आपके बन रहे होंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ए टू जेड क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक अब अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक थ्योरेटिकल बुक है और साथ ही एक ऑब्जेक्टिव बुक है, कॉम्बो भी आप परचेज कर सकते हैं। फटाफट परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 7 मई 2022 से होंगे, साथ ही इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो सितंबर 2022 के अंदर होगा, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर पब्लिश कर रखा है और इस बार इस वैकेंसी को एसएससी ही कंप्लीट कराएगा। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 544 के आसपास रहने वाली है, थोड़ी बहुत इंक्रीज भी हो सकती है क्योंकि काफी टाइम इसमें जा चुका है। मेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रह सकती है वो 372 के आसपास रहेगी, साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 वैकेंसी के आसपास रहेंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। फाइनली बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 100 फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे, वहीं पर एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की जाएगी। फाइनली बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो मिनिमम एज लिमिट इसमें रखी जाएगी वो 18 ईयर रखी जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 25 ईयर रखी जाएगी, और जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है वो 1 जनवरी 2022 तक हो सकती है। एसटी एससी ओबीसी वालों को अपनी एज के अंदर प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 का मिलता है, एसटी एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि वैकेंसी मई मंथ में आएगी, लेकिन बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आप खुद को अभी से ही 100% प्रिपेयर कर लो। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी होगा, 100 मार्क्स का, डिटेल से समझाऊंगा। सेकेंड स्टेज में आपका पीएसटी पीटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका इसमें होने वाला है। थर्ड स्टेज में आपका इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और फोर्थ स्टेज में आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने वाला है। क्लियर हुआ? बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, जिसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सितंबर 2022 के अंदर होगा। हालांकि अभी एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट नहीं अनाउंस हुई है। एग्जाम जो आपका है वो टोटल 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 5 डिफरेंट सेक्शन, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क दिया जाएगा, इसलिए 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस सेक्शन हो जाता है। सेकंड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, इससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। और फिफ्थ सेक्शन हमारा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है, जिससे केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के अंदर ही, बिल्कुल बेसिक रहेगा। इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन टोटल
100 क्वेश्चंस का हो जाता है और 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार एसएससी से एग्जाम को कंडक्ट कराएगा, हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह ये इसमें रख दे। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो आपकी 90 मिनट्स रहती है। डाउट क्लियर हुआ? अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो इसके बाद आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका पीई या फिर एमटी आपका होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। इफिशियंसी में आपकी रनिंग वगैरह होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप होता है, साथ ही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी मेजरमेंट वगैरह होती है, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट वेट मेजर होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफिशियंसी के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर जो रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर रखी गई है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रखी गई है 800 मीटर है, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, रनिंग वगैरह के लिए कोई भी मार्क आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रखा गया है वो 12.5 फीट रखा गया है, वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 3.5 फीट रखा गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट रखा गया है, वहीं पर हाई जंप फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रखा गया है। आपको लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए 3 चांसेस दिए जाते हैं। क्लियर है? ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप इफिशियंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपकी हाइट चेस्ट वेट मेजर होता है। मेल जनरल वालों के लिए जो हाइट रखी जाती है, जनरल एससी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, वो 165 सेंटीमीटर रखी जाती है। वहीं पर हिल एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फिर एसटी कैटेगरी जो लोग हैं उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का इलेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि उनके लिए केवल 160 सेंटीमीटर यहां पर हाइट रखी गई है। मेल कैंडिडेट के चेस्ट के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो मिनिमम 78 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 82, यानी कि आपको मिनिमम अपनी चेस्ट में 4 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि एक्सपेंशन देना होगा। वहीं पर फीमेल जनरल एससी और ओबीसी कैटेगरी वालों की जो हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है। एसटी कैटेगरी वालों को 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा। और चेस्ट में मेल कैंडिडेट के जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके भी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? फाइनली बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट स्टेज के बारे में। अगर आप PET या फिर PMT को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको फिजिकल के लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाता। इसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी आपको सबमिट करानी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आईडी प्रूफ लगता है, साथ ही आपकी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट लगती है। अगर आपने रिलैक्सेशन लिया है, रिजर्वेशन लिया है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से करते तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो ये कुछ इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। अगर आप पीएसटी और पीटी को क्वालिफाई कर लेते हो, थर्ड स्टेज आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा। और जो 25 मार्क्स है ना, ये फाइनल कट ऑफ को भी इफेक्ट करेंगे। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट में आप हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं, फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आनी होगी, वहीं पर हिंदी वालों को 25 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड लेकर आनी होगी। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप हिंदी की कर लीजिए या फिर इंग्लिश की कर लीजिए। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 वर्ड पर मिनट आसानी से आप करके आ जाओगे। 25 मार्क्स आपको टाइपिंग में दिए जाते हैं। जो मार्क्स है वो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपको कोई पैराग्राफ लिखना होगा, टाइप करना होगा कंप्यूटर के ऊपर 10 मिनट तक। और जो आपकी एक्यूरेसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने 10 मिनट में पूरा पैराग्राफ एकदम सही लिखा, आपने किसी भी वर्ड में मिस्टेक नहीं की, आपकी कोई भी एरर नहीं है, तो आपको कंप्लीट यानी कि पूरे 25 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, आपने मिस्टेक वगैरह ज्यादा कर दी है, तो वहां पर आपके मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे 25 में से। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका टाइमिंग टेस्ट यहां पर होने वाला है। तो मेरी राय यही है यार, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप आने वाले टाइम में इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, तो भाई साइबर कैफे पहुंच जाइए और टाइपिंग सीखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। फाइनली बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, जो कि आपका इसमें होने वाला है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। बहुत सारे लोग इसको लेकर डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज है। बिल्कुल बेसिक होने वाला है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, घबराने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में निकाल के आओगे। ये आपके कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है, जिसमें आपको 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के ऊपर
टास्क कंप्लीट करके दिखाने होते हैं, जिसमें से एक हमारा एमएस वर्ड होगा, साथ ही एमएस एक्सेल होगा, साथ ही एमएस पावर पॉइंट होगा। ये तीन सॉफ्टवेयर आपको होंगे। आपको हर एक सॉफ्टवेयर में 20-20 टास्क दिए जाते हैं। मान के चलिए सबसे पहले आपका एमएस वर्ड आपको दिया गया, उसमें आपको 20 टास्क दिए जाएंगे। टास्क कैसे होंगे, जैसे कि एमएस वर्ड में किसी भी फॉन्ट को बोल्ड कैसे कर दें, एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कैसे लेकर आते हैं, एमएस वर्ड में हेडिंग कैसे बनाते हैं, एमएस वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एमएस वर्ड में फॉन्ट का साइज घटाते या फिर बढ़ाते किस तरीके से हैं। तो ये छोटे छोटे आपके टास्क होंगे। जो जो टास्क आपको 20 टास्क दिए जाएंगे एक सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यहां पर मेंशन है, इनके बाहर आपको कोई भी टास्क नहीं दिया जाएगा। एक टास्क के लिए टोटल एमएस वर्ड में 20 टास्क है, एक टास्क के लिए आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। तो 20 टास्क है तो टोटल एमएस वर्ड कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का हो गया। और आपको क्वालिफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर में कम से कम 6 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, यानी कि आपको 12 टास्क सही करके दिखाने होंगे। टास्क बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, मजा आ जाएगा, एकदम बच्चों का खेल है। ऐसे ही एमएस एक्सेल आपका 10 मार्क का होने वाला है, उसमें भी आपको टोटल 20 टास्क दिए जाएंगे कि भाई एमएस एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, एमएस एक्सेल में सेंटर लाइन कैसे करते हैं, एमएस एक्सेल में रो कॉलम कैसे बनाते हैं। तो इस टाइप के आपको टास्क दिए जाएंगे, जहां पर भी आपको 6 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। हर एक टास्क का आपका हाफ मार्क्स का यहां पर होने वाला है। ऐसे ही पावर पॉइंट होने वाला है कि पावर पॉइंट में बेसिक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, यहां पर डिजाइन कैसे करते हैं, क्लियर है, यहां पर जो बैकग्राउंड है उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, इस टाइप के आपके बेसिक टास्क होंगे। टास्क आप तीनों सॉफ्टवेयर के, तीनों एप्लीकेशन के यहां पर देख ही चुके होंगे। वैसे मैं इसका प्रीवियस ईयर का जो 2019 में ये वैकेंसी निकली थी उसका कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि कौन कौन से टास्क आपको दिए जाएंगे। भले ही आपको एक सॉफ्टवेयर के लिए 10 मार्क्स दे जाए, लेकिन केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप हर एक सॉफ्टवेयर में 6-6 मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि फाइनल कट ऑफ में इनका कोई रोल नहीं रहेगा, फाइनल मेरिट में ये नहीं ऐड होंगे। केवल क्वालिफाई करना है, क्लियर है। यानी कि एमएस वर्ड में आपको 6 मार्क्स लाने होंगे, अगर आप ले आए तो आप क्वालिफाई होगे। वहीं पर एमएस एक्सेल में भी आपको 6 मार्क्स लाने होंगे, अगर आप ले आए तो आप क्वालिफाई होगे। पावर पॉइंट में भी मिनिमम 6 मार्क्स लाने होंगे, अगर आप ले तो क्वालिफाई कर जाओगे, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट से पहले आपकी एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फाइनल जो कट ऑफ बनती है वो आपके एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी और साथ ही टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था। टाइपिंग टेस्ट कितने मार्क्स का था, 25 मार्क्स का था। तो फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स में से बनेगी, 125 मार्क्स में से बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को हिट कर लेते हो, उस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो फाइनली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मार्क्स दे जा रहे हैं, वरना क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है काफी बार। यहाँ पर अगर आप एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है लेकिन टाइपिंग टेस्ट में थोड़े बहुत मार्क्स कम हो गए तो वो कवर हो जाता है, क्लियर है। अगर किसी का एग्जाम में मार्क्स कम रह गए लेकिन टाइपिंग टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दे, 25 मार्क्स वहां से उठा ले, तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनली मेडिकल टेस्ट होता है और एक और बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ट्रेनिंग पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक बार बात कर लेते हैं भाई, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस और सभी डिडक्शन के बाद। जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी इस पोस्ट के ऊपर वो लगभग 36,000 के आसपास रहेगी या फिर उससे थोड़ी बहुत और ज्यादा। जॉब करते रहोगे, हर साल आपको सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा और आपकी फाइनल सैलरी लगभग 92,000 के आसपास हो जाएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, मैं आपको बता रहा हूं आफ्टर सीपीसी। फाइनली बात कर लेते हैं भाई एग्जाम सेंटर्स के बारे में। एग्जाम सेंटर इसका ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग कर रहे हो और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको यूपी के अंदर भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। गुजरात वालों को गुजरात में मिल जाएगा, बिहार वालों को बिहार में मिल जाएगा, तो टेंशन है ही नहीं। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनीष चल की वैकेंसी है, तो जॉब लोकेशन आपकी हमेशा दिल्ली के अंदर ही रहेगी। ज्यादा चांसेस होते हैं कि दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर ही आपको पोस्टिंग मिल जाए।
फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस पोस्ट के ऊपर तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई जॉब के नाम से ही पता चल रहा है, पोस्ट के नाम से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है। एक हेड कांस्टेबल होता है जीडी वाला, यानी कि जिसको ड्यूटी देनी पड़ती है, फील्ड ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन ये फील्ड ड्यूटी वाला नहीं है, इसके सामने जुड़ा हुआ है मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल एक तरीके से क्लरिकल टाइप का उसको काम करना पड़ता है, यानी कि मिनिस्ट्रियल वो पोस्ट होती है जो कि हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करता है। क्लियर है? तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा कंप्यूटर बेस्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। जहां तक उम्मीद है ज्यादातर आप हेडक्वार्टर्स के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, जो बड़े बड़े पुलिस स्टेशन है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। साथ ही जो पुलिस स्टेशन के अंदर कंट्रोल रूम डिपार्टमेंट है वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट होता है दिल्ली पुलिस का उसके अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलती है। तो यार बढ़िया जॉब है, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है कि आपको फील्ड ड्यूटी ही नहीं करनी, आप हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करोगे। बढ़िया पोस्ट है, हफ्ते में शायद 2 छुट्टी आपको इसमें मिल जाती है, ऐसा सुनने में आया है। क्लियर है दोस्तों? तो भाई ये पूरी रिक्रूटमेंट है, कंप्लीट डिटेल सिलेबस मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्या क्या पढ़े, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या रहेंगे, साथ ही स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, बेस्ट बुक आपको बताऊंगा, और बहुत सारी मैराथन भी लेकर आने वाला हूं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है? तो नोटिफिकेशन इसका 27 मई को आने वाला है, 1.5-2 महीना बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा। और हाँ, अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का जबरदस्त मैराथन प्रोवाइड किया था 4 घंटे का, जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।